नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। पटना के मुसलापुर हाट इलाके में बिहार रिक्शा चालक संघ द्वारा बताया गया कि उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बात की सूचना अभी तक पार्षद और लोकल थाना को नहीं है। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कौन भूखा है या नहीं? स्थानीय लोगों के सूचना से हमें जानकारी मिली कि कुल 43 लोगों को अभी तक किसी भी तरह का खाद्य सामग्री नहीं प्राप्त हुआ है और किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोरोना के महामारी में जो घरों में कैद है और जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, इनके भी रोज़गार पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और सरकार ने चूंकि मुआवजा देने की और खाद्य सामग्री देने की बात तो कही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए कही है जिनके पास राशन कार्ड है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या ये भूखे मरेंगे? देखते हैं रिपोर्ट। हमारे साथ अभी बिहार ई रिक्शा संघ के कोषाध्यक्ष परमानंद जी है, ये बताएंगे पूरे विस्तार में क्या क्या परेशानियाँ आ रही है इनके साथ, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? हमारे जितने भी रिक्शा चालक संघ हैं, ये सभी बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन का परिस्थिति आया है, जब से हमारे जितने भी लोगों हैं सब बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। ना गाड़ी चल रहा है, ना चलाया जा रहा है, भूखे के कगार पर आ गए हैं। आपने अपने क्षेत्र के अधिकारियों को सूचना दी है? नहीं, अभी तो किन्हीं को नहीं दिए हैं। तो सरकार की तरफ से तो राशन जो भी है मुहैया कराया जा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड वगैरह है आप लोग के पास? हम लोग के पास तो राशन कार्ड वगैरह नहीं है। किसी के पास नहीं? नहीं, मेरा किसी ड्राइवर के पास, चालक के पास नहीं है। आप लोग सब लोग यहाँ स्थानीय हैं? स्थानीय हैं। बिहार ई रिक्शा संघ द्वारा क्या परेशानी आई है? मुझे सूचना मिली है कि बिहार राज्य ई रिक्शा चालक संघ, इन लोग मतलब लॉकडाउन के दौरान अभी जो हालात है, गाड़ियाँ चलना बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से सारे हवाई वाले भाई सब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए गाड़ियाँ तो बंद हो चुकी है। तो इस दौरान इन लोग को अभी तक ना खाने पीने की सामग्रियाँ दी गई है। तो मैं चाहता हूँ बिहार सरकार और निकटतम वार्ड पार्षद और SDO साहब से कि इन लोग को खाने पीने की कच्चा अनाज दिया जाए ताकि इन लोग को ज़िंदगी जीने में थोड़ा आसानी हो सके। कितने लोग हैं इसमें अभी? फिलहाल तो मेरे पास 43 लोगों का लिस्ट आया है, आप देख सकते हैं मेरे पास लिस्ट है 43 लोगों का।